नमस्कार दोस्तों, रुलानिया क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारे नए मेहमानों से निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक नए नोटिफिकेशन के बारे में जो जारी हो रहा है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा। तो इसके लिए जो द्विवर्षीय पाठ्यक्रम डिप्लोमा था उसकी जो फर्स्ट लिस्ट है वो आ गई थी, लेकिन अब इसकी जो सेकंड लिस्ट आ गई है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करते आप इसकी ऑफिशियल साइट पर पहुंच जाएंगे। और ऑफिशियल साइट पर पहुंचने के बाद यहाँ पर आपको राजवास में संस्था पखवाड़ा उसके नीचे ये जो नोटिफिकेशन चल रहे हैं उनमें जो नोटिफिकेशन आएगा दूसरी सूची द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का नया इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आप कॉन्टैक्ट नंबर हैं इसके कुछ पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ईमेल एड्रेस ईमेल भेज सकते हैं, इसकी इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करते हैं, इन्फॉर्मेशन बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट इसके डाउनलोड कर सकते हैं, कोई स्ट्रक्चर आप जान सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यूज़र की बात की जाए तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपके एडवर्टाइज जो नंबर है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर वो डालने हैं और साथ में पासवर्ड डालना है। ये डालने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन कर देना है। जब आप लॉगिन कर देंगे तो आपके सामने ये इस प्रकार के तीन नए इंटरफेस आ जाएंगे जिसमें एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं, अलॉटमेंट लेटर आप जान सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो अलॉटमेंट लेटर आपको जानने के लिए यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका कोई आपको कॉलेज मिली है तो आपको यहाँ पर मिल जानकारी मिल जाएगी। ये देख सकते हैं आप, अलॉटमेंट लेटर आ गया है। ये मेरिट नंबर आपके दे रखे हैं मेरिट नंबर, और इसके अलावा जो अन्य जानकारी है वो दे रखी हैं, ये आप देख सकते हैं अन्य जानकारियाँ, यहाँ पर जो अन्य जानकारी है वो देख सकते हैं। तो इसमें आपको देख लो साथ में लेके क्या जाना है। तो आपको प्रवेश हेतु निम्न मूल दस्तावेज फीस एवं चार जो परफॉर्मा है पशुपतः जो संस्थान है वहाँ पर जमा करवाने होंगे, और मूल दस्तावेजों के साथ इनकी जो स्थापित फोटो है वो भी आपको लेकर आनी है, दो स्टेट के दो स्टेट लेकर आनी है, यानी दो सेट बनाकर आपको लेके जाने पड़े हैं। तो निर्धारित फीस या प्रोफेशनल फीस या संस्थान शुल्क हेतु विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। हस्तार जो आपके सिग्नेचर की हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति, सेकेंडरी उत्तीर्ण की अंक तालिका और बारहवीं उत्तीर्ण की अंक तालिका, साथ में मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, स्कूल की टीसी यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र, अंतिम अध्ययन किए गए शिक्षण संस्थान के प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र, और परफॉर्मा दो एक से लेकर चार तक वो परफॉर्मा आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको जो काउंसलिंग करवाएंगे उसमें लेके जाने पड़ेंगे। तो परफॉर्मा आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, आपके यहाँ पर मेरिट क्रमांक दिखाई देगा, आपको सब कुछ यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी, जो आपको संस्था आवंटित होगी उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसी प्रकार की लेटेस्ट जॉब एजुकेशन और एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी हुई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।